अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मजूद बसम। ओए क्या कर रहा है? आंधा है, वीडियो बना रहा हूँ। कौन सी? यूट्यूब की। तुझे क्या काम है? अच्छा, एक मिनट मोबाइल दे। क्यों? स्टेटस लगाना है। अच्छा लगा लेना, मुझे वीडियो बनानी थी। मुझे भी दे, मैंने भी लगाना है। लगा लेना, पहले मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं पहले स्टेटस लगाऊंगा, दे ना। अच्छा एक मिनट देता हूँ। वैसे तू कौन सा स्टेटस लगाएगा? फादर डे का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब यार आज फादर डे है ना, वही स्टेटस लगाना है ना। फादर डे? हंसा क्यों है? बस वैसे ही हंसा है, वैसे हंस रहा हूं। अच्छा मोबाइल दे, मैं तुझे स्टेटस लगा कर देता हूँ। कहां सो रहा है? अच्छा देता हूँ। नहीं यार, सब स्टेटस लगा रहे थे ना। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि फादर तुझे आज याद है, तो मैंने सोचा मैं भी लगा दूँ। हाँ लगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैं फादर डे के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूँ, फादर डे उन लोगों के लिए होता है जो अपने वालदैन को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल फादर डे मनाया जाता है। हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए डेली ही दिन ब दिन फादर डे ही होता है। तो ये स्टेटस लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर आप प्यार जताते हैं तो अपने वालदैन के साथ जताएं। ये स्टेटस लगाना या स्टोरी डालना वगैरह ये कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरह की फादर डे हो गया, मदर डे हो गया या सिस्टर डे हो गया, कुछ भी है मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। तो कोशिश क्या करें कि आप भी इससे बचें, क्योंकि हमारे साथ ये फैमिली होती है, तो हमें इनके साथ भी प्यार जताना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे इसे एक्सप्लेन करें। तो प्यार दिल में होता है, सोशल मीडिया में नहीं। तो कोशिश क्या करें, अगर आपको मेरी बात समझ आई तो ठीक, अगर नहीं आई तो आपका जिस तरह का माइंड है आप उसी तरह लगाएं। तो वीडियो वजह से लेट बनी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं किसी काम में बिज़ी था बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वीडियो लेट आई। इसके लिए माजरत हूँ। आगे वीडियो आती रहेंगी यार, क्या कहें, आती रहेंगी, जल्दी आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।